लॉ के अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट, हमारे आईएएस ऑफिसर्स जो कमिश्नर होते हैं इनकम टैक्स के, जीएसटी के कमिश्नर्स, इंटरप्रिटेशंस में कहीं ना कहीं इशू आता रहता है। एक ही कंटेंट रहा, एक प्रोफेशनल एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशनल्स डिफरेंट डिफरेंट उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं एक ही मैटर को ऊपर। तो यही कह रहा है यहाँ पे, इट इज फॉर द रीडर टू सप्लाई हिमसेल्फ द फॉर्म्स एंड कलर्स ऑफ सेंटिमेंट टू विच दिस साइंस कॉरस्पॉन्ड, इट विल डिपेंड ऑन हिम। यह डिपेंड करता है ऑन हिम, मतलब खुद पे डिपेंड करता है वेदर द बुक बी डल और ब्रिलियंट। यह बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकल भी है। कभी मुझे याद है अपने, कभी लॉ का बुक पढ़ने में बहुत मजा आता था, बहुत इंटरेस्टिंग आता था, बट उसी मटेरियल को कभी और पढ़ता था तो बोरिंग लगता था। यह डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम कितना एक्टिव होके कितना सीरियस होके उसको स्टडी कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है बुक आपके लिए डल है या ब्रिलियंट है। मान लीजिए प्रिया के लिए अकाउंट्स जो है सो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता होगा, बट धीरे धीरे उस पर मेहनत करने लगेगी, वर्क करेगी, कंसेप्ट को डेवलप करेगी, तो उसको ब्रिलियंट जैसा फीलिंग आने लगेगा, अकाउंट्स पढ़ के मजा आने लगेगा। तो किसी चीज बुक को अगर हम पढ़ते हैं तो डल है या ब्रिलियंट है, हॉट विथ पैशन और कोल्ड एज आइस। देखिए, हॉट विथ पैशन कहने का मतलब, जब पैशन आपके अंदर है तो समझिए कोई स्टॉप नहीं। मैं बताता हूं, जैसे पैशन मेरे को अभी रिसेंटली एक पैशन आया मेरे को ऑनलाइन क्लास का, और आप मानो या ना मानो, आपकी क्लास तो चल रही थी बट 11th 12th की क्लास ऑनलाइन करना था, मेरे को रात को नींद नहीं आ रहा, आना बंद हो गया। मैं 2 बजे तक मैं जूम को लेके बहुत सारे रिसर्च करने लगा जो कैसे बेटर क्लास बच्चे को, क्योंकि उस क्लास में 45 स्टूडेंट्स होते हैं और 11th 12th के बच्चे कितने शरारती होते हैं, आप लोग अपने समय को याद कीजिए। तो एक पैशन आया मेरे अंदर, नहीं इन बच्चों को भी अपने सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए भी उनको पढ़ाना है, तो पैशन था। तो मेरे को क्या हुआ, मैं सब कुछ भूल गया, सारी परेशानी दुख दर्द सब। मैं एकदम टाइम पे सोता हूँ, टाइम पे उठता हूँ, बट उस समय में मैं डिसऑर्डर हो गया, मैं रात को सो ही नहीं पाता था। एकदम जूम पे 12 बजे रात 1 बजे रात तक पूरा रिसर्च चलता रहता, दिन भर रिसर्च, और लास्टली बहुत ही इफेक्टिवली हम लोगों ने क्लास लॉन्च किया और क्लास अभी हो रहा है। तो मैं अभी समझाना रहा था, हॉट विथ पैशन, जब आपके अंदर पैशन हो, अगर आप एग्जाम को पास करने का, अगर आपके अंदर जुनून, पैशन मतलब जुनून, हिंदी में समझे तो जुनून, जब जुनून आपके अंदर है तो कुछ भी बड़ा नहीं है, एकदम आप उसको अचीव कर लेंगे, कोल्ड एज आइस। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन नहीं है तो आप आइस हो गए। अब अगर हम सोचते, यार सोचते, अभी हमारे कुछ टीचर्स हमारे साथ एसोसिएट थे, ऑफलाइन में क्लास लेते थे, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, जनता कर्फ्यू आया, टीचर से बात किया, सर क्लास लेंगे क्या, अभी तुम लोग लो बाद में मैं देखता हूं, तो आइस हो गए हो। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन और जनता कर्फ्यू उनके लिए लाइफ में बैरियर हो गया। तो ऑलवेज बच्चों, मैंने जीवन से एक चीज सीखा है, कभी भी मुसीबत आए मुसीबत मत समझना, उसको समझना जो ये मेरे जीवन का एक अपॉर्चुनिटी है, लाइफ में इसको, इस मंत्र को यूज करना। जब भी मुश्किल घड़ी आवे तो सोचना जो अब बहुत अच्छा होने वाला है आपके जिंदगी में, लेकिन ऐसा मत सोचना जो कुआं में कूद जाएंगे तो मुश्किल घड़ी होगा और बहुत अच्छा लाइफ में होने वाला, नहीं। आप आइडल हैं, अपना काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, और फिर भी मुसीबत आ गया, आता है जिंदगी में। अभी आप तो जैसे 2-5 साल और जीवन के जिएंगे तो आपको सामना करेंगे, तो उसको अपॉर्चुनिटी माना है, तो दिस इज अपॉर्चुनिटी। मैंने लॉकडाउन को कभी थ्रेट नहीं समझा, सोशल डिस्टेंसिंग COVID-19 है, बट इससे रास्ते भी हैं, रास्ता बंद नहीं हुआ, नए रास्ते निकालेंगे, और नया रास्ता निकाला हम लोगों ने और आपके पास पहुंचा, और आज हम लोग जो पहले दे पाते थे आज भी हम शायद लगता है उतना ही दे पाते होंगे, बस आपका
कोऑपरेशन चाहिए, आप कितना एक्टिव है इस बात पर डिपेंड करता है। मान लीजिए अभी बहुत सारे बच्चे इसको सोशल क्लास अभी ऑनलाइन नहीं आते, सोच रहे चलो यार पूरा देश तबाह है, हम भी तबाह हो जाए। जो बच्चे भी अभी ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे हैं लाइफ में वो पछताएंगे जब समय बीत जाएगा 2 महीना ना, क्योंकि दिस इज द बेटर टाइम, अभी बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है बच्चों मेहनत करके पास करने का, क्योंकि 90% बच्चे आपके कंपटीशन से बाहर हो गए हैं। ये बात मान लीजिए 80% 60% बच्चे साइकोलॉजिकली मतलब मोटिवेशन उनका खत्म हो चुका है, वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो COVID-19 के समाचार में और व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे हुए होंगे। इसमें कोई एज ए स्टूडेंट मेरे को बहुत बड़ा अनुभव है, तो आपके लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल के आया। जो बच्चे भी मेहनत करेगा उसका रिजल्ट डैम श्योर, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन दिस टाइम आप लोग का रिजल्ट होगा, मेहनत करेंगे रिजल्ट होगा। अभी देखिए कंपटीशन से आपके 40% या 50% बच्चे आउट हो गए, आप खुद देख सकते हैं, हम लोग 8-9 बच्चे आते थे क्लास में, अभी 3-4 बच्चे क्लास में, तो आपका 50% तो कंपटीशन ऐसे ही खत्म हो गया। तो अभी बात कर रहे थे, अभी वो लोग आइस हो गया, मैं मेरे को समझाना था, देखिए मैंने ये बात को बात किया और कोल्ड एज आइस इसको भी समझाया। अभी जो बच्चे क्लास नहीं आ रहे हैं सब कोल्ड एज आइस हो गए हैं, अपने आप को COVID-19 के सामने सरेंडर कर दिए हैं। अब आगे पढ़ते हैं, प्रेफर टू पुट इट अदरवाइज, ईच वर्ड इन ए बुक इज ए मैजिक फिंगर। बिल्कुल सही, आप महसूस करना, रीडिंग करना, पैशन के साथ रीडिंग जब करोगे तो आप पहले जो रीडिंग किए थे और पैशन जब के साथ रीडिंग करेंगे तो उसमें जो मजा आएगा, मजा करने का मतलब जो अंडरस्टैंडिंग आएगा आपको, जो आपको लगेगा अरे जो स्किल डेवलप होगा, ब्रेन वाइब्रेट कर। अच्छा ऐसा भी होता है क्या? मुझे याद है जब मैं कंपनी लॉ पढ़ता था तो बेरेक्स पढ़ता था, एक ऐसा लॉ है जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार नई मीनिंग आता है। पर ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, बड़े बड़े दिग्गज, मैंने 25 ईयर्स प्रैक्टिस करने वाले नेशनल लेवल पे स्पीकर, उनका भी यही कहना होता है, जो कंपनी लॉ स्टिल आई एम लर्निंग, कंपनीज लॉ ऐसा ड्राफ्टिंग, मैं 1956 का बात कर रहा हूं, तो उनका कहना था मैंने कंपनी एक्ट अभी स्टिल लर्निंग 1956 और कंपनी लॉ नया आ गया 2013, 1956 नहीं कि दूसरा लॉ आ गया 2013। तो लॉ क्या शब्द है, शब्द में बहुत खेल है, इसलिए आप देखते होंगे अगर लॉ जो ड्राफ्ट है अगर उसमें जादू होता तो हर कोई को एक ही डिसीजंस मिलता, हर हाई कोर्ट एक ही जजमेंट देता, सुप्रीम कोर्ट सारे केस में एक ही जजमेंट देता। जब आप आगे एडवांस लेवल में पढ़ाई करेंगे तो देखेंगे एक ही इशू पे डिफरेंट हाई कोर्ट डिफरेंट जजमेंट देते हैं। अगर सेंटेंस वही है और सारे हाई कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी ज्ञान की बात लॉ में तो कुछ करना ही नहीं है, फिर भी जजमेंट डिफरेंट हो रहा है, तो ये किस बात पर डिपेंड करता है? उनकी इंटरप्रिटेशन लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। और मैंने यह भी देखा है एक ही केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बदलता है, पहले वाले केस में किसी बेंच ने, मान लीजिए 5 बेंच ने कोई जजमेंट दिया था, आगे 5 साल बाद या 10 साल बाद जजमेंट जो है सो उसको उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो करने का मतलब यही है, जो वर्ड जो होता है बुक में, वर्ड जो होता है बुक में वह मैजिक का काम करता है। और हमारे ब्रेन को वाइब्रेट करता है। एंड हार्ट स्ट्रिंग करने का मतलब कनेक्शंस। जब तक कोई चीज का हम स्टडी कर रहे हैं और हम कनेक्शंस नहीं लाएंगे, वन मैटर एंड अनदर सेंटेंस, मतलब वन पैसेज अदर पैसेज, वन पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ,
इसके बीच में कनेक्शंस करना। अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप अच्छा रीडर नहीं हैं, अच्छा राइटर नहीं हो सकते हैं, अच्छा स्पीकर नहीं हो सकते हैं। तो स्ट्रिंग करना मतलब जोड़ना बातों को, एंड सो इवोक्स ए नोट फ्रॉम द साउंडिंग बोर्ड ऑफ आवर साउल। No matter how skillful, how inspired, the artist's hand, the sound it makes depends on the quality of a string within ourselves. हम कैसे string करते हैं ourselves, कैसे matter को connect करते हैं, जोड़ते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और राजेश जी क्लास में है, हम थोड़ा सा क्लास से निकल के बात करते हैं आपसे। अंटिल रिसेंटली बुक्स वेयर द प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब संभाल के रखना, स्मॉल सेक्शंस ऑफ द अर्बन अपर क्लास। ऐसा माना जाता था जो बुक्स वेयर द प्रिजर्व ऑफ स्मॉल सेक्शंस ऑफ द अर्बन अपर क्लास। सम इवन टुडे मेक इट अ पॉइंट टू कॉल देमसेल्फ इंटेलेक्चुअल। यहां पे यह सेंटेंस यह कहना चाह रहा है जो अर्बन क्लास अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, it would be a pity होता है small, if it would be a pity if books were meant only for intellectuals, यहां पर सेंटेंस के द्वारा यह बताना चाह रहा है जो बुक्स होते हैं not only for upper class, it is also meant not only meant for intellectuals but also meant for housewives, farmers, factory workers, artisans and so on. In India there are first generation learners. हमारे यहां ऐसा हो सकता है जो बहुत सारे फैमिली में हम लोगों ने देखा है और अक्सर सुनते भी हैं, जो रिक्शा पुलर, बस ड्राइवर, ये बच्चे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं, बनते हैं, वो उनका पैशन होता है जो उनके उस ऊंचाई पे ले जाता है। तो लाइफ में वो मुसीबत को मुसीबत नहीं समझते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी लेके अपने आप को डेवलप करते हैं। तो उनके लिए इन इंडिया फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स पहली बार पढ़ना चालू किए हैं, उनके पेरेंट्स इलिटरेट हो सकते हैं और यह पॉजेस करता है स्पेशल चैलेंज टू आवर ऑथर्स। दोज हु आर इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ डिसिमिनेटिंग नॉलेज। अब यहां पे बहुत सारे भारत सरकार के विभाग हैं, मंत्रालय हैं, समूह कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंज्यूमर को अवेयर करना, उसके राइट क्या है, वो अपने राइट को कैसे प्रोटेक्ट करे। तो या तो वो फॉर्म में करेंगे या ऑडियो विजुअल मोड में करेंगे। तो आप देखते हो बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं रेडियन फॉर्म में, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, जो कोटेशन आता है यह उस मंत्रालय का, मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, वो अवेयर हो, अवेयरनेस हो,
द टास्क ऑफ डिसिमिनेटिंग नॉलेज, जागो ग्राहक जागो, ये उस मंत्रालय की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है सारे कंज्यूमर्स तक या इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना, क्योंकि इलिटरेट है। अब इसके लिए हमें चाहिए, वी नीड मच मोर रिसर्च। यूज ऑफ लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्निक्स, मतलब टेक्निक्स डेवलप करना होगा। By which knowledge can be transferred to those people without transmission loss? कहने का मतलब, जो intentions of the author है, intentions of the writer है, वह loss नहीं हो। Means जो knowledge है उसके अंदर वह loss नहीं हो, और वह जिसके लिए लिखा गया है, those people उसके पास पहुंच जाए। Publisher should initiate campaigns to persuade people that a good book makes a beautiful present, and reading a good book can be the most relaxing as well as absorbing of past things. आप लोग as a student अपने आप में एक कला develop कीजिए, जो reading देना है daily 2 hours नए subject content को reading देना है। आप जितना रीडिंग देंगे, जितनी रीडिंग देंगे, आपके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी होगा। मुझे एक समय याद है, थोड़ा लो कॉन्फिडेंस में मैं रहता था एज ए स्टूडेंट, जब फाउंडेशन में था, अपने पे भरोसा नहीं होता था। क्यों भरोसा नहीं होता था? क्योंकि पढ़ने की आदत नहीं थी, लंबे आवर्स स्टडी नहीं कर सकता था, 1-2 घंटा पढ़ते पढ़ते सर में दर्द हो जाता था। तो स्लोली स्लोली मैंने अपने आदत को डेवलप किया, और डेवलप करते करते एक सिटिंग में मैं एक किताब को पढ़ सकता हूँ, 200 पेज विदाउट लॉस ऑफ कंटेंट मैं रीडिंग दे सकता हूँ। यह डेवलप हुआ, एक समय लगा, समझिए 5 साल का वक्त हो सकता है, 10 साल का वक्त हो सकता है, तो वो भी आपको डेवलप करना है रीडिंग। और आज इसीलिए कॉन्फिडेंट रहता हूं, जो कभी भी कोई भी लॉ, नया लॉ आता है, जीएसटी आया, कंपनी लॉ आया, और डेली आते रहते हैं, और आपके भी जीवन में ऐसा होने वाला है। अगर आप पास आउट भी कर जाते हैं, अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप नहीं होता है, तो उसके बाद आपका डिग्री किसी काम का नहीं होगा, अब्सोल्यूट हो जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे देश का बदलता रहता है, और इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से कानून बदलती रहती है, बनती रहती है, रहती रहती है। और आप जब तक रीड करना नहीं सीखेंगे, रीडिंग हैबिट, रीडिंग आर्ट्स नहीं सीखेंगे, तो आप अच्छा प्रोफेशनल नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकेंगे, और जब आप अपडेट नहीं होंगे तो मार्केट में एडजस्ट नहीं कर सकते। तो रीडिंग ए गुड बुक कैन बी द मोस्ट रिलैक्सिंग एज वेल एज एब्जॉर्बिंग ऑफ पास्ट टाइम्स। हम लोगों को यू शुड एम एट बुक्स ऑफ क्वालिटी, हम लोगों को क्वालिटी पे फोकस करना है, नो लेस देन एट क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन एंड सेल। क्वांटिटेटिव मतलब 1,000 बुक बेचना, 5,000 बुक बेचना, 10,000 बुक बेचना, 20,000 बुक बेचना, नहीं, क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन पे फोकस मत करो, आप क्वालिटी पे फोकस करो, और बुक तो यू बिकेगा, किताबें यू बिकेगी, अनलेस वन इज कंस्टेंटली एक्सपोज टू द बेस्ट, one cannot develop a taste for the good. जब तक आपके अंदर अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं बेस्ट के लिए, constantly आपको लगातार प्रयास करना है अपने आप को बेस्ट लाने के लिए, और जब तक ये नहीं आएगा तो आपके अंदर एक टेस्ट फॉर गुड डेवलप ही नहीं होगा। ऑलवेज इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में जीते रहेंगे, जो नहीं मुझसे नहीं हो सकता है, मैं नहीं कर सकती हूं, नो, कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू द बेस्ट, यू कैन डू इट, यू वी कैन डू इट, ऑलवेज आपके दिमाग में होना चाहिए, ऑलवेज, नहीं हम पास कर सकते हैं, इस बार ही पास करेंगे, और उसके हिसाब से पढ़ाई करना है, आपके अंदर बेस्ट लाना है, टेस्ट फॉर द गुड लाना है। अब अभी तक आपने लिखा जो लिखा, अब आज हम लोगों ने जो बात किया, इसके बाद आपका राइटअप अब मेरे को मिलना चाहिए, 1 घंटे के अंदर आप लोग हमें व्हाट्सएप करेंगे,
व्हाट्सएप जो करेंगे मेरा दूसरा व्हाट्सएप पे करेंगे, क्योंकि उस व्हाट्सएप को मैं हमेशा चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आते हैं। एक नंबर है 85, मैं लिखता हूँ उस पर व्हाट्सएप करेंगे, वह खास तौर से क्लास के लिए ही है, 8544110040, इस पे मेरे को व्हाट्सएप करेंगे आप लोग। ओके, अभी हम लोगों ने जो सर समरी को सर रीड रुके, ये किया, सर लिखते हैं। हाँ लिखो ना, आराम से लिखो, अभी मैं भाग नहीं रहा, मैं भाग के नहीं जाऊंगा, बेटे पीछे बैठना। हेलो सर, बोलिए। लिख दिया हूं मैं स्क्रीन पे। अच्छा स्क्रीन पे, रुक जा रुक जा, शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ। सारे बच्चे विद इन 1 आवर, 10:56 हो रहा है, 11 बज रहा है, 12 बजे तक मेरे व्हाट्सएप पे इसका नोट मेकिंग पूरा बेस्ट देके बनाना है। ऐसा नहीं कैजुअल अप्रोच नहीं करना है, एकदम बेस्ट मतलब नोट मेकिंग करना है। नोट मेकिंग करने के लिए आपको क्या करना है, पहले रीड करना है, रीड हम लोगों ने किया, अभी फिर से एक बार रीड कर लेना, कैसे करना होता है, मेन आइडिया आपके दिमाग में होना चाहिए, उसके बाद टाइटल डिसाइड कर लेंगे हम लोग। मेन आइडिया जैसे ही आएगा तो टाइटल डिसाइड हो जाएगा। अब टाइटल डिसाइड हो जाएगा तो सेंटेंस का चेंज करना है, स्मॉल स्मॉल सेंटेंस, लेंथी नहीं करना है, एब्रिविएशंस करना है, चार बात को रखेंगे तो नोट्स मेकिंग बहुत इजी हो जाएगा। नोट्स मेकिंग, नोट्स टेकिंग नहीं करना है, नोट्स टेकिंग फिर से मैं जाते जाते बता के जा रहा हूँ। नोट्स टेकिंग करने का मतलब क्या हुआ, अभी जो पढ़े ना उसको एज इट इज आप उतार दीजिए, एज इट इज उतार दीजिए, दस वो क्या हो गया, नोट टेकिंग हो गया। अपने को करना है नोट मेकिंग करना है। ओके ओके, थैंक यू। संडे ओके सर, को क्लास नहीं रहेगी, मंडे से मिलते हैं अपने।